बात कोरबा की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की 3 सदस्य टीम कोरबा पहुंची। दरअसल कोरबा जिले के विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख को अवैध तरीके से ग्राम तरदा के खेतों और सड़क किनारे और तालाब के पास डंप किया गया, जिससे यहां के जनजीवन पर असर पड़ रहा है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की टीम जांच करने के लिए कोरबा पहुंची है। बता दें कि बीजेपी नेता वीरेंद्र पांडे ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कोरबा जिले के विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख मामले में जनहित में याचिका दायर की थी। एक जनहित याचिका माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दायर की गई है, जिसमें राखड़ डंपिंग के संदर्भ में उनके द्वारा तथ्य रखे गए हैं और उन तथ्यों की जांच के लिए माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने न्याय मित्रों की एक कमेटी गठित की गई है। हम उसी के संदर्भ में यहाँ आए हैं।